जाटों को साधने सिक्कर आ रहे मोदी, करेंगे बड़ी जनसभा। डोटासरा के जिले में बीजेपी का पूरा जोर, क्या बीजेपी को सेकावाटी में मिलेगा फायदा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौर। कल 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सिक्कर जिले में बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। सेकावाटी का इलाका कांग्रेस के लिए किला माना जाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सिक्कर, चूरू और झुंझुनू की 21 में से 17 सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ दिया था, वो भी बुरी तरह। बीजेपी का यहाँ सूपड़ा साफ हो गया था। अब बीजेपी के रणनीतिकारों ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाने के लिए पीएम मोदी की जनसभा आयोजित की है, जहाँ पीएम मोदी जाट वोटर्स को साधने वाले हैं। इसके साथ ही पीएम 27 जुलाई को वर्चुअली करौली मंडरायल मार्ग पर बन रहे मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। पिछले 9 महीने में पीएम मोदी राजस्थान में 8 दौरे कर चुके हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी राजस्थान को लेकर कितना गंभीर है। राजस्थान में बीजेपी के नेता गहलोत सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल बनाने में पूरी तरह विफल रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी चाहती है कि बार बार पीएम मोदी के दौरे कराकर माहौल अपने पक्ष में बनाया जा सके। जानकारों का कहना है कि राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। सीएम फेस को लेकर दो गुटों में तलवारें खिंची हुई है। वसुंधरा राजे कैंप लंबे समय से राजे को सीएम फेस घोषित करने की मांग कर रहा है। पीएम मोदी की सभा में सभी गुटों को और नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश भी की जा सकती है। आपको बता दें कि जनसभा में राजस्थान बीजेपी के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की इस जनसभा के द्वारा राजस्थान और हरियाणा के किसानों को साधने का प्रयास किया जाएगा। सिक्कर में पिछली बार बीजेपी का खाता नहीं खुला था। सिक्कर की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से गोविंद सिंह डोटासरा विधायक है। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर डोटासरा ने बीजेपी पर खूब हमला साधा है और साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस जिले में बीजेपी तैयारी इसलिए ज्यादा कर रही है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की यह सभा नागौर में होने वाली थी, लेकिन वहां बेनीवाल के समर्थकों ने बीजेपी के नेताओं को काले झंडे दिखाए थे, जिसके बाद ये सभा सिक्कर में हो रही है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।